Hey guys, I hope all of you are doing good. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं तुमको एक वर्ड का मतलब समझाना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग. अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर. अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुमने किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट करना, आया समझ में? अर्थ के साथ कनेक्ट करना, जैसे कि तुमको इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पर सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्पीयर है और उसको हमने एक वायर से अर्थ के साथ कनेक्ट करने का कोशिश किया है. यहाँ पर की खोल कर रखा है, अगर मैं इस की को बंद कर दूँ, इस एंड को इस एंड के साथ लगा दूँ, तो ये जो कंडक्टर है अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगा. लेकिन अर्थ के साथ कनेक्ट करने से होता क्या है, वो क्वेश्चन है, राइट? तो ये मानो कि अर्थ जो है दैट्स ए वेरी बिग कंडक्टर, ठीक है ना. अर्थ जो है उसको तुम्हें एक बहुत बड़ा सा बिग कंडक्टिंग स्पीयर मान सकते हो. क्या मानोगे? बिग कंडक्टिंग स्पीयर विच इज़ न्यूट्रल, ठीक है ना. अर्थ को न्यूट्रल मानना है. और एक न्यूट्रल स्पीयर का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? एक न्यूट्रल स्पीयर का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना. अभी अर्थ इतना बड़ा है कि उसको हम क्या मानते हैं? वी कंसिडर अर्थ, ये जो अर्थ है, वी कैन कंसिडर अर्थ एज एन इनफाइनाइट रिसोर्स ऑफ चार्ज, रिसोर्स या सिंक ऑफ चार्ज. मैं समझाऊंगा, सुनते जाओ सिर्फ. इनफाइनाइट रिसोर्स या सिंक ऑफ चार्ज. रिसोर्स मतलब यहाँ से तुम जितना चार्ज चाहो उतना ले सकते हो, जितना चार्ज तुम डंप करना चाहो उतना चार्ज डंप कर सकते हो, लेकिन उसके पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो खुद इतना बड़ा है, उसमें उससे कुछ भी चार्ज ले लो या उसको कुछ भी चार्ज दे दो, उसके पोटेंशियल में चेंज कभी भी नहीं आएगा, ठीक है. दैट मीन्स अर्थ के पोटेंशियल को, अर्थ के पोटेंशियल को हम हमेशा क्या मानेंगे? अर्थ के पोटेंशियल को हम हमेशा ज़ीरो मानेंगे. इज दैट क्लियर? अर्थ के पोटेंशियल हम हमेशा ज़ीरो मानेंगे. अच्छा, अगर ऐसा है तो एक बात बताऊँ, अर्थ का पोटेंशियल अगर ज़ीरो है और किसी कंडक्टर को अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, हमने ये पढ़ा है कि कनेक्शन करने से द पोटेंशियल डिफरेंस विल फाइनली बिकम ज़ीरो. दोनों का पोटेंशियल एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो अगर हमने किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या? किसी कंडक्टर को अगर अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो चार्जेस अर्थ से कंडक्टर के पास जा सकता है या कंडक्टर से अर्थ के पास आ सकता है, या बहुत सारे केसेस बन सकते हैं. बट फाइनली क्या होगा कि कंडक्टर का भी पोटेंशियल अर्थ जैसा ही बन जाएगा, बिकॉज देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, विच मीन्स अर्थ का पोटेंशियल एंड कंडक्टर का पोटेंशियल जो कि क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है. ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है अर्थिंग का, बहुत जगह हम यूज़ करेंगे, तो अच्छे से समझ के रखना, ठीक. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन क्या देखते हैं? ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी सॉरी एट ए प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्पीयर. ए क्यू चार्ज इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर रखा गया है. एज शोन इन द डायग्राम द स्पीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ विद ए की एस, एस के साथ कनेक्ट किया गया है. इफ द की इज क्लोज्ड फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ. अभी सोच के देखो, अगर हम इस की को क्लोज ना करें, क्या इस कंडक्टिंग स्पीयर का पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं होगा ना, बिकॉज इवन दो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, बट इस क्यू चार्ज का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो आएगा. तो अगर मैं इसके सेंटर में कितना पोटेंशियल है वो निकालता हूँ, लेट अस फाइंड आउट पोटेंशियल एट द सेंटर, वो कितना आएगा? दैट इज के क्यू बाई ए, ठीक है. तुम ये कह सकते हो कि सर आपने यहाँ पर क्यू चार्ज दे के रखा है, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, ठीक है. आई एग्री, तुमने सही कहा, कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा. यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, होगा ही, ठीक है ना. इसका हमने प्लस क्यू आई लिखा, लेकिन इनके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो तो ज़ीरो ही आएगा, बिकॉज ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी सिखाया था कि जितने सारे माइनस क्यू आई चार्जेस है उसका सेंटर से जितना डिस्टेंस है, प्लस क्यू आई चार्जेस का भी सेंटर से उतना ही डिस्टेंस है, तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल में इक्वल होगा, बट साइन अपोजिट होगा, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. सिर्फ यही बचेगा के क्यू बाई ए, ठीक है. अच्छा, बट अगर मैं इसको बंद कर दूँ, की को अगर मैंने क्लोज कर दिया तो क्या होगा? की को अगर हमने क्लोज कर दिया, लेट अस से अर्थ ने, ये जो सिंबल है दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग, हमेशा याद रखना दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग. तो अर्थ क्या करेगा? अर्थ चार्जेस भेजेगा. तो मैंने माना चलो इसको हमने ज्वाइन कर दिया,
चार्ज आया, कितना चार्ज आया, क्यू ई चार्ज आया, और वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब स्पीयर में अभी कितना चार्ज है, स्पीयर में अभी अर्थ ने क्यू ई चार्ज भेजा। अभी क्यू ई पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, उसको लेके तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है क्यू ई का जब आंसर निकलेगा वो हमको बता देगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है ना। ओके, एज बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू अर्थ, मैं ये कह सकता हूँ कंडक्टर का पोटेंशियल, कंडक्टर का भी पोटेंशियल अर्थ जैसा ही हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। ओके फाइन, अभी अगर हम कंडक्टर का पोटेंशियल लिखना चाहें तो फिर से हमको वही टेक्निक यूज़ करना है, हर एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंट्रीब्यूशन देखना है, क्यू चार्ज के लिए कितना कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ध्यान से देखो के क्यू बाई ए सेंटर पे निकालते हैं बिकॉज दिस इज़ इक्यू पोटेंशियल वॉल्यूम, हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा सेम, सेंटर इज मोर एडवांटेजियस बिकॉज इंड्यूस चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो सेंटर पे क्या बन जाएगा, जीरो। कोई और पॉइंट चूज करूंगा तो लोचा हो जाएगा, क्योंकि किसी और पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। तो इट्स बेटर वी गो फॉर पॉइंट सी बिकॉज दिस पॉइंट इज एडवांटेजियस फॉर अस। तो पॉइंट सी पे क्यू का कंट्रीब्यूशन आ गया के क्यू बाई ए, क्यू आई एंड माइनस क्यू आई का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, जीरो। एंड एस बिकॉज क्यू ई चार्ज आ चुका है उसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, देखो सी जो है प्लस क्यू ई चार्ज, ये जो जो कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने शो नहीं किया बट प्लस क्यू सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड इमेजिन करो, उसके लिए एक इंटरनल पॉइंट है तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा, और वो होगा के क्यू ई डिवाइडेड बाई इसका रेडियस हमने आर लिख दिया एंड दिस क्वान्टिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमने देखा कि हमको क्या मिलता है, दैट इज़ के क्यू बाई ए प्लस के क्यू ई बाई आर दैट इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स यहाँ से मैं के के को गायब कर सकता हूँ, क्यू ई को लिख सकता हूँ माइनस क्यू इन टू ए बाय आर। आई होप सो तुमको ये समझ में आया, क्यू ई का वैल्यू कितना आएगा, माइनस क्यू बाई ए इन टू आर। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया हमने, आर ऊपर आएगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, माइनस क्यू बाई ए इन टू क्या हो जाएगा आर, ठीक है ना, ऊपर नीचे लिख दिया था माइनस क्यू बाई इन टू आर। सो दिस इज द चार्ज विच हैज कम फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज ऑब्वियस नेगेटिव साइन दिख रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज आया है, कहाँ से आया, अर्थ से आया, ठीक है। बिकॉज कुछ सोच के देखो, इस क्यू ने पॉजिटिव पोटेंशियल बनाया तो यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो बनाना है तो अर्थ को डेफिनेटली कैसा चार्ज भेजना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज भेजना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, आई होप सो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस ना हमारे कंसेप्ट्स बिल करता है, तुम्हारे कंसेप्ट्स बिल करता है, एंड मैंने बहुत यू नो प्लान करके इन सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस किया है, और इसमें मैंने सारे वो क्वेश्चंस इंक्लूड किया है जो तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नहीं, बट इन क्वेश्चन से तुम्हारा कंसेप्ट बहुत बहुत स्ट्रांग बनने वाला है, तो एकदम सीरियसली सुनना इन सारे क्वेश्चन को, मज़ा भी आएगा। सो स्टे विथ मी, इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्पीयर ऑफ रेडियस R, ये R रेडियस का स्पीयर है और इसके सर्फेस पे हमने Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट इज़ कवर्ड बाई हॉलो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्पीयर, हॉलो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस 2R, ठीक है ना, और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस बाहर वाले के पास कोई चार्ज नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेसिस ऑफ द हॉलो स्पीयर इफ इट इज अर्थ। तो ये हो गया हमारा हॉलो स्पीयर, भूलो मत, इसको हमने अपना हॉलो स्पीयर बुलाया और बोला कि अगर ये अर्थ हो गया, इसको अगर हमने अर्थ कर दिया तो इसकी इनर सर्फेसिस एंड आउटर सर्फेसिस में कितना चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस एक बात बताओ कि अगर हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया एंड ऑल ऑफ देम आर कंडक्टिंग, सो इट्स ऑब्वियस दैट ऑल द चार्जेस विल ऑलवेज अपीयर ऑन द आउटर मोस्ट सर्फेस। सो सारा प्लस क्यू चार्ज आके यहाँ पर अपने आप को आउटर मोस्ट सर्फेस में प्लेस कर देगा। अच्छा, इन सारे प्लस क्यू का अफेयर किसके साथ चलता है, माइनस क्यू के साथ चलता है, प्लस क्यू माइनस क्यू पसंद करते हैं, देर इन ए रिलेशनशिप। तो ये जो आउटर वाला शेल है ये भी तो कंडक्टिंग है, तो इस आउटर वाले शेल के इनर सरफेस पे प्लस क्यू क्या करेगा, माइनस क्यू को बुलाएगा, तो इसके इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना, इसकी इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या रहा मैं बता रहा हूँ, अगर मैं पूछूं इसकी इनर सरफेस पे माइनस क्यू है तो आउटर सरफेस पे कितना है, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये चलेगा सर इनर में माइनस क्यू है, बाहर में क्या होगा, प्लस क्यू, बिकॉज इसके पास तो पहले कोई चार्ज था नहीं। अगर इसके पास पहले कोई चार्ज नहीं है तो अंदर माइनस क्यू है तो बाहर भी क्या होगा, प्लस क्यू, और यहाँ तुम गलत कर दोगे, देयर इज़ द मिस्टेक हियर। बिकॉज ध्यान से देखो ये कब वैलिड है,
ये कब वैलिड है कि देखो यहाँ पर हमने बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन यूज़ किया, हमने कहा कि इनिशियली इसके पास जीरो चार्ज है, फाइनली भी चार्ज जीरो होगा, तो इधर माइनस क्यू तो इधर भी प्लस क्यू, टोटल में जीरो। और एक बात बताओ, क्या ये आइसोलेटेड है, क्या इसमें चार्ज कंजर्व रह सकता है? नहीं भाई, तुमने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखा, अर्थ इसको चार्ज दे सकता, इससे चार्ज ले सकता है, तो इसका टोटल चार्ज पहले जीरो था, इनिशियली जीरो था ना अर्थ से कनेक्ट करने के पहले, हमेशा जीरो रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बात को समझो, अर्थ कुछ ना कुछ चार्ज भेज सकता है, कुछ ना कुछ चार्ज ले भी सकता है। तो आउटर सरफेस में कितना चार्ज आएगा वो हमको पता नहीं है, उसको हमने क्यू डैश लिख दिया। बात समझ आया? इनर पे तो माइनस क्यू आएगा ही, बिकॉज ये माइनस क्यू आया क्यों? बिकॉज इस क्यू ने माइनस क्यू को बुलाया था। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुमको एक बात समझाता हूँ। यहाँ से जितना सारा फील्ड लाइन्स निकलेगा ना, ऑल दिस फील्ड लाइन्स विल एंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज प्लस क्यू को माइनस क्यू का पार्टनरशिप मिल गया। और ये जो चार्जेस है, मैं एक बात बताता हूँ, ये जो चार्जेस है जो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये जो चार्जेस है, दिख रहा नहीं ये चार्जेस, इन चार्जेस को मैं बाउंड चार्जेस भी बुला सकता हूँ, इनको मैं बाउंड चार्जेस भी बुला सकता हूँ, ये सब समझ के रखो। इसको हम बाउंड चार्जेस क्यों बुलाते हैं? बाउंड, व्हाई डू वी कॉल देम एज बाउंड चार्जेस? बिकॉज देखो प्लस क्यू माइनस क्यू को पकड़ के रखा है, दे आर होल्डिंग ईच अदर, दैट इज़ द रीज़न वी कॉल देम एज बाउंड चार्जेस। जो बाहर का ये जो क्यू डैश है, हाँ क्यू डैश कितना है वो हमने अब तक निकाला नहीं, बट क्यू डैश अगर होता या होगा तो क्यू डैश को हम फ्री चार्ज बुलाएंगे। क्यू डैश को फ्री चार्ज इसलिए बुलाएंगे बिकॉज क्यू डैश का किसी और के साथ कनेक्शन नहीं है, किसी और ने इसको पकड़ के नहीं रखा, होल्ड करके नहीं रखा, तो क्यू डैश को हम फ्री चार्ज बुलाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना सारा चीज़? यार यू नो बेसिकली थ्योरी में समझाया नहीं जा सकता, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है? अच्छा ओके, तो सबसे पहला कंक्लूशन ये है कि इसको अगर मैं फर्स्ट स्पेयर मानता हूँ, इसको अगर मैं सेकेंड शेल मानता हूँ, मैंने जस्ट नाउ सिखाया कि सेकेंड शेल का पोटेंशियल जीरो है बिकॉज वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड शेल इन दिस केस इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? ओके, तो एक बार हम पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड शेल का एक्सप्रेशन लिखना चाहें, कोशिश करते हैं। क्यू माइनस क्यू क्यू डैश, ये सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स पोटेंशियल। सबसे पहले ये जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के लिए हम यहाँ पर पोटेंशियल लिखते हैं। क्यू चार्ज के लिए ये पॉइंट एक्सटर्नल है, सारे क्यू को हम सेंटर पे मान सकते हैं। सेंटर पे मानेंगे तो सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा? सिर्फ क्यू का कंट्रीब्यूशन, दैट इज के क्यू बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? टू आर। बोलो समझ आ रहा है? नहीं यार, वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बोर खा रहे हो क्या? बोर नहीं खाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे ना तभी मज़ा आएगा। ओके, अभी माइनस क्यू को देखते हैं। माइनस क्यू क्या है? माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो माइनस क्यू तो उसके सरफेस पे ही लोकेटेड है, तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है माइनस क्यू के लिए? दैट इज़ के माइनस क्यू बाई टू आर, आया समझ में? प्लस क्यू डैश भी तो सरफेस पे है, और इसी के सरफेस पे, यहाँ पर ही तो पोटेंशियल बताना है, यही इसी का ही तो पोटेंशियल जीरो है, तो क्यू डैश के लिए कितना पोटेंशियल आएगा? के क्यू डैश बाई इसका रेडियस कितना है? ट्वाइस आर, दैट इज इक्वल टू जीरो। अभी ध्यान से देखो, ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, विच मीन्स क्यू डैश का वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो। दैट मीन्स अगर मैं फाइनली डिस्कस करूँ कि आउटर मोस्ट सरफेस में कितना चार्ज आएगा, आउटर मोस्ट सरफेस में जीरो चार्ज आएगा। और ये ना बहुत ऑब्वियस है ये कंक्लूशन, मैं तुमको फील दिला सकता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। खुद सोच के देखो, अगर लेट अस से ये हमारा अंदर वाला स्पीयर है, लेट अस से ये हमारा बाहर वाला स्पीयर है, इसमें अगर प्लस क्यू चार्ज है, डायग्राम अच्छा नहीं है बट आई होप सो तुमको समझ में आया, यहाँ पर अगर माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं होता, जस्ट इमेजिन अगर अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं होता तो इसके आउटर शेल पे कितना चार्ज आता? इसके आउटर शेल पे प्लस क्यू चार्ज आता। देखो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू तो खुश है ना, बिकॉज प्लस को तो माइनस का साथ मिल गया, ये लोग तो कपल बन गए, दिस प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू, दे आर हैप्पी। बट ये प्लस क्यू तो दुखी है ना, दुखी है या नहीं है बताओ? दुखी किस लिए? बिकॉज इसका कोई पार्टनर नहीं है। तो अगर तुमने इस सरफेस को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये प्लस क्यू अर्थ को क्या बोलेगा? अर्थ अर्थ मेरे को नेगेटिव चार्ज दो, मुझे न्यूट्रलाइज होना है। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ से क्या बुलाएगा? इलेक्ट्रॉन्स बुलाएगा, नेगेटिव चार्ज बुलाएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन्स आके इस आउटर मोस्ट सरफेस में जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको क्या कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है। अच्छा थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, जो आउटर मोस्ट सरफेस में जितने सारे चार्जेस है उसको हम क्या कर देंगे? अर्थ क्या करेगा? चार्ज भेज के उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया? इज़ दैट क्लियर? इसको हम लॉजिकली भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? मज़ा आया होगा। ओके, ये क्वेश्चन फिर से हमारे अर्थिंग के कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करेगा।
क्वेश्चन पढ़ते हैं. शोन देर आर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन शेल्स ऑफ रेडियस आर एंड थ्री आर. दो थिन शेल्स हैं, एक का रेडियस आर है, एक का रेडियस थ्री आर है. द आउटर शेल कंटेन्स अ चार्ज क्यू. ठीक है, आउटर शेल के पास क्यू चार्ज है. एंड द इनर शेल इज न्यूट्रल. फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ आफ्टर स्विच एस इज क्लोज. मतलब यहाँ पर पूछा है इनर शेल से अर्थ के पास कितना जाएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अर्थ के पास कितना जाएगा जब हमने इस की को क्लोज कर दिया. अच्छा, मैंने जस्ट नाउ सिखाया कि अर्थ जो है बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसमें तुम चार्जेस को डंप कर सकते हो, उससे चार्जेस ले सकते हो. तो अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया ना, तो कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा या गया होगा. ठीक है, लड़े से आया है, अर्थ से कुछ ना कुछ चार्ज आया. लड़े से यहाँ पर कितना चार्ज आया है, लड़े से क्यू ई अमाउंट ऑफ चार्ज आया है इस पर्टिकुलर इनर्शियल के पास. अभी आया है या गया है उसका जवाब मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा. बट वट एवर इट इज, बिकॉज ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ कनेक्शन विद अर्थ, कुछ ना कुछ चार्ज तो यहाँ पर रिपेयर करेगा. मैंने उसको क्यू ही मान लिया. जाएगा या आएगा, हैव पेशेंस, मैं समझाऊंगा, मज़ा आएगा उस लॉजिक में. ठीक है ना, मैंने मान लिया क्यू ई चार्ज. नाउ इट इज ऑब्वियस यार कि इस जगह का जो पोटेंशियल होगा, किसका पोटेंशियल, इस इनर शेल का जो पोटेंशियल होगा उसको क्या होना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी जीरो. देर इज़ नो अदर ऑप्शन. द इनर शेल हैज़ टू बी हैव जीरो पोटेंशियल. एंड वी शैल यूज़ द सेम लॉजिक अगेन कि अगर इनर शेल का पोटेंशियल जीरो होना है, तो हम एक बाई एक जितना सारे चार्ज कॉन्फिग्रेशन है उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं. क्यू ई का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, के क्यू ई इनर शेल है, सरफेस में कितना पोटेंशियल होगा, देर इज़ के क्यू ई पर एरिया कितना होगा, आर प्लस. ठीक है ना, और बाहर वाले चार्ज के लिए ये एक इंटरनल पॉइंट है, अंदर वाला शेल, तो इसके सरफेस में कितना पोटेंशियल होगा वो लिख लेंगे. और इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, दैट इज के क्यू पाई थ्री आर एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. आर आर दे गेट कैंसल्ड, के गेट्स कैंसल्ड, क्यू ई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू बाई थ्री. अच्छा, ये आ गया माइनस क्यू बाई थ्री. नाउ कैन यू एक्सप्लेन ये माइनस क्या इम्प्लाई कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है. नेगेटिव साइन ये इम्प्लाई कर रहा है कि जब हमने इसको कनेक्ट किया तो इस शेल के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आया होगा. मतलब इस शेल के पास अगर चार्ज आया है, कितना चार्ज आया है, माइनस क्यू बाई थ्री. इस बात को समझो, माइनस क्यू बाई थ्री मैं लिख के देता हूँ, हैज कम फ्रॉम अर्थ टू इनर शेल. ठीक है, अभी इसको हम आराम से यू नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं. उसमें सबसे पहला ऑप्शन माइनस क्यू बाई थ्री होगा. तो अगर तुमने माइनस क्यू बाई थ्री देख के टिक कर दिया ना, तो माइनस वन मिलेगा तुमको. मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं. एक बार ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम द इनर शेल टू अर्थ. शेल से अर्थ के पास कितना गया है, ये तो अर्थ से शेल के पास गया. तो जवाब क्या होना चाहिए, जवाब ये होना चाहिए माइनस क्यू बाई थ्री अगर अर्थ से शेल के पास गया है, इट इम्प्लाइज प्लस क्यू बाई थ्री शेल से अर्थ के पास गया होगा. सो वी कैन से प्लस क्यू बाई थ्री मूव्स फ्रॉम इनर शेल, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनर शेल टू अर्थ. द आंसर इज प्लस क्यू बाई थ्री. बात समझ आया सर, पॉजिटिव चार्ज तो कभी मूव नहीं कर सकता. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन से मूव कर सकते, बट मैथमेटिकली तो कह ही सकते हैं ना कि अगर यहाँ से माइनस क्यू बाई थ्री जा रहा है तो मैथमेटिकली प्लस क्यू बाई थ्री हम कह सकते हैं. मतलब कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आया. सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस प्रॉब्लम. ठीक है, फाइन. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर हिटिंग. वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, बट वी आर गोइंग टू यूज़ द बेसिक सेट ऑफ नॉलेज जो हमने अब तक गेन किया है. वेरी सिंपल, फटाफट करते हैं. एज शोन इन द फिगर देर आर थ्री कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल्स ऑफ पी क्यू एंड आर. मतलब इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर देते हैं. ठीक है ना, और उनका रेडियस दे आर टू आर थ्री आर. शेल क्यू इज़ अर्थ, क्यू को हमने अर्थ करके रखा है. पी एंड आर आर गिवन चार्जेस क्यू एंड टू क्यू. पी को हमने क्यू चार्ज दिया और आर को हमने कितना चार्ज दिया, आर को हमने 2q चार्ज दिया. ओके, तो स्टे विथ मी. क्वेश्चन है, फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ऑल द सर्फेसेस ऑफ पी क्यू एंड आर. मतलब चार्जेस हमको निकालना है, कहाँ कहाँ कितना चार्ज आया. तो सेम कहानी है, बहुत बेसिक कहानी है. इसके आउटर सरफेस पे q आएगा, तो ये अपने इस बाहर वाला, ये जो सेकेंड वाला q वाला शेल है, q वाले शेल की इनर सरफेस पे कितने को बुलाएगा, माइनस q को बुलाएगा.
इज दैट क्लियर? इधर प्लस क्यू तो अपने पार्टनर को बुलाएगा माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू आ गया तो आउटर सरफेस पे कितना आएगा हम नहीं कह सकते, हमने मान लिया क्यू डैश। और तुमको इसका रीज़न पता होना चाहिए, बिकॉज सर सर ये देखो आपने देखा होगा ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है तो अर्थ से चार्ज आ सकता है, तो कुछ चार्ज आएगा कुछ चार्ज जा सकता है, तो आउटर शेल में हमने मान लिया क्यू डैश। क्यू डैश का वैल्यू हमको पता नहीं, बट इसके आउटर सरफेस पे अगर क्यू डैश है तो इसके इनर सरफेस पे कितना होगा? डेफिनेटली माइनस क्यू डैश। ये तो हमने सिखा ही है ना, फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, क्यू डैश यहाँ पर माइनस क्यू डैश। बट एक बात बताओ, ये जो आउटर शेल है, आउटर शेल तो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके पास टोटल में टू क्यू चार्ज है, तो हमेशा ही टू क्यू रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर माइनस क्यू डैश है तो इस सरफेस पे कितना आएगा? इस सरफेस पे आएगा टू क्यू प्लस क्यू डैश, दोनों को जोड़ोगे तो टू क्यू ही रहेगा। बात समझ आया? ओके, तो बस अभी सीधा सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देखते हमारा सारा कंसंट्रेशन इस बात पे रहेगा कि क्यू पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। क्यू पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होना है और हम हर एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अगर क्यू पॉइंट पे क्यू शेल पे पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले ये क्यू जो है इसके लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सारा क्यू सेंटर पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2R है। तो सबसे पहले क्यू के लिए कितना आएगा? दैट इज़ के क्यू बाई ये डिस्टेंस कितना है 2R, ये हो गया क्यू के लिए। ये जो शेल है सेकेंड क्यू का, क्यू वाला शेल, उसमें कितना चार्ज है? माइनस क्यू प्लस क्यू डैश। तो इस टोटल चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल बनेगा? जितना सरफेस पे बनता है, सरफेस का ही पोटेंशियल बताना है। माइनस क्यू प्लस क्यू डैश बाई इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2R। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ओके, अभी इस शेल के लिए इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल होगा, इस क्यू वाले शेल पे कितना पोटेंशियल होगा, ये जो आर वाला शेल है इसमें टोटल में कितना चार्ज है भाई बता दो? टू क्यू चार्ज है दोनों को जोड़ने के बाद। तो टू क्यू के कारण इसके इनर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? जितना उसके सरफेस पे होता है, और सरफेस पे कितना होगा? के इंटू टू क्यू लिखा, दोनों को जोड़ूंगा तो टू क्यू ही बचेगा, डिवाइडेड बाई इसके सरफेस पे कितना है? के इंटू टू क्यू बाई 3R। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अभी ध्यान से देखो, के क्यू बाई 2R, के माइनस क्यू बाई 2R, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा? के क्यू डैश बाई 2R, और यहाँ पर क्या बचा? 2KQ/3R। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, के के चला गया, आर आर चला गया, सो क्यू डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? -4Q/3। बोलो, समझ आया नहीं आया? बस हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, यही था -4Q/3। क्यू डैश का वैल्यू पता चल गया, दैट मीन्स ये जो क्यू डैश है दिख रहा है ना, इसका वैल्यू कितना होगा? -4Q/3। इज़ दैट क्लियर? ये जो माइनस क्यू डैश है इसका वैल्यू कितना होगा? क्यू डैश का वैल्यू खुद माइनस है, उसके आगे और एक माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? 4Q/3। ये बन जाएगा 4Q/3। और ये जो 2Q+Q' है ये कितना बनेगा? 2Q+Q' फाइनली हमारा बनेगा, अगर मैं क्यू डैश का वैल्यू पुट करूँ, -4Q/3 स्टूडियो 6 2Q/3, इसका वैल्यू बन जाएगा 2Q/3। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स हमने सारे सरफेसेस पे कितना चार्ज है सारा बता दिया। बेसिक अर्थिंग का कंसेप्ट है, पोटेंशियल निकालने का कंसेप्ट है। बस यही सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, देखना तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यू विल बी रेडी आफ्टर यू सी दिस वीडियो, इफ़ यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट यू आर रेडी टू सॉल्व ऑल द नाइस गुड प्रॉब्लम्स दैट यू विल कम अक्रॉस। ऐसे एक भी कंसेप्ट नहीं है जो तुमको नहीं आता, यू कैन डू दैट। आई होप सो तुमको कॉन्फिडेंस मिला इन सारे क्वेश्चन के डिस्कशन से। सो विल मीट सून, आज के लिए इतना ही, बाय।